गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ की इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम आज करेंगे जेंडर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? जेंडर डिनोट्स वेदर ए नाउन इज वेदर ए नाउन इज अ मेल फीमेल बोथ और नॉन लिविंग थिंग्स। जेंडर से हमें क्या पता चलता है कि जो नाउन है वो मेल है यानी कि पुरुष जाति का है, फीमेल है स्त्री जाति का है, बोथ ये दोनों का है और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें चोल चोल फिर नहीं सकते, जिनमें जीवन नहीं होता, सांस नहीं होता, वो कौन से होते हैं? नॉन लिविंग, जैसे टेबल चेयर फैन पेन चौक डस्टर ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। तो हमें जेंडर से क्या पता चलता है कि इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, जेंडर से हमें पता चलता है कि संज्ञा जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों या दोनों तथा निर्जीव वस्तुओं का पता चलता है। क्या कि जो संज्ञा है वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है दोनों है या निर्जीव वस्तु है कोई, उसका पता चलता है। अब इसके लिखते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार लिखते हैं, प्रकार बताता है, काइंड्स मतलब प्रकार। ठीक है, इसके फोर टाइप्स होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। ठीक है, पहला है हमारा मैस्कुलाइन यानी कि इससे हमें क्या, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पुल्लिंग, पुरुष जाति का पता चलता है। ठीक है, और सेकंड है फेमिनाइन, इसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्री जाति का पता चलता है। पहला है मैस्कुलाइन पुल्लिंग, पुरुष जाति का पता चलता है, फेमिनाइन स्त्रीलिंग स्त्री जाति का पता चलता है। ठीक है, इसके आगे करते हैं, दो हो रहे हैं। थर्ड है कॉमन यानी इसको हम हिंदी में उभयलिंग बोल देते हैं, दोनों जातियों का पता चलता है। और फोर्थ नंबर है हमारा न्यूटर यानी कि नपुंसक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग यानी निर्जीव वस्तुओं का पता चलता है। ठीक है, अब हम करेंगे, फोर टाइप्स हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन कॉमन न्यूट्रल। ठीक है, फोर टाइप्स के जेंडर होते हैं और हम करेंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कैसे चेंज करते हैं इसके हम रूल देखेंगे। ठीक है, एक इजी सा टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान में रखना है कि मैस्कुलाइन
से फेमिनाइन में मैस्कुलिन का फेमिनाइन क्या होता है, क्या बनेगा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे इसको एग्जांपल एजी लिखते हैं, ठीक है। जैसे हस्बैंड, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बॉय गर्ल, लड़का लड़की, फादर मदर, हॉर्स मेयर, ठीक है, पिता माता, घोड़ा घोड़ी, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैस्कुलाइन हैं इनके जो फेमिनिन किए हैं वो बिल्कुल अलग है ना। रूल करते हैं सेकंड, कुछ मैस्कुलाइन के अंत में एस डबल एस तथा ई डबल एस जोड़कर क्या बनाते हैं, फेमिनिन बनाते हैं। फेमिनिन बनाते हैं, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे टाइगर, नहीं इसका करेंगे अपने लोयन, लोयन का क्या हो जाएगा, लोइनेस, ई डबल एस जोड़ दिया। नंबर सेकंड प्रिंस, पी आर आई एन सी ई प्रिंस, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी, प्रिंस की स्पेलिंग लिखी, डबल एस जोड़ दिया, इसमें हमने ई एस जोड़ा था, ई डबल एस जोड़ा था, इसमें हमने डबल एस जोड़ा, ठीक है। लोयन प्रिंस और पोइट, पोइट क्या होता है, कवि, और पोइटेस कवित्री, ई डबल एस जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से ई डबल एस जोड़ के, डबल एस या ई डबल एस जोड़ के अपने क्या बनाते हैं, फेमिनाइन बनाते हैं मैस्कुलाइन से। अब करें रूल नंबर फोर, थ्री सॉरी, कुछ मैस्कुलाइन के अंतिम वोवल को हटाकर तथा उसमें ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं। क्या करना है हमें कि मैस्कुलिन जो आपको दिया हुआ है उसके क्या देखना है कि उसमें अंत में कौन सा वोवल आया, ठीक है। वोवल वाला रूल है तो वो आपको वोवल वाले दिए होंगे, ए ई आई ओ यू, ये पांच वोवल होते हैं, ठीक है। इसको हटा देना है जो एंड में आया हो, जो वर्ड दिया है उसके लास्ट वाले वोवल को देखना है कि लास्ट वाला वोवल कहाँ पे है। यूँ नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट में ही हो वर्ड के, उस लास्ट वर्ड से पहले भी हो सकता है, ठीक है, लास्ट लेटर से पहले भी हो सकता है। उसको तो हमने हटा देना है और उसमें क्या जोड़ देना है, ई डबल एस जोड़ देना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर, तो इसमें देखो पहले टाइगर के एंड में आर, आर तो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, ई है, ई हमारा क्या है, वोवल है, ठीक है, ई आ गया ना लास्ट वाला वोवल, तो ई है ना, आर को नहीं देखना हमें, ई को देना।
देना, वोवल को देना है, लास्ट वोवल को देना है। लास्ट वोवल, पहला वोवल आई है, दूसरा वोवल ई है, ठीक है। लास्ट वाला वोवल ई है तो हमने क्या करना है, ई को हटा देना, टी आई जी आर ई डबल एस। हमने क्या किया यहाँ पे, ई को तो हमने हटा दिया और ई ए डबल एस को हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एक्टर, इसका पहला वोवल ए है, दूसरा ओ है। अब लास्ट में आ रहा है, यूँ नहीं देखना आपको होगा कि लास्ट में जब आ रहा है कोई वोवल है ही नहीं, वो आर से पहले तो वोवल है ना, तो इसको हटा देना है। हटा दिया हमने यहाँ ओ को, हटा दिया, लगाया नहीं, और ई डब्ल्यू एस को जोड़ दिया, ठीक है। एक्ट्रेस बन गया, एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री, टाइगर चीता, ठीक है। ये मेल में आ गया और ये फीमेल में आ गया, चीता होता है इसका मेल फीमेल। अब हम करेंगे रूल नंबर 4, कुछ मैस्कुलाइन के पहले तथा दूसरे शब्द को बदलकर फेमिनिन बनाते हैं। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल जैसे ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी एफ ए, ग्रैंड की स्पेलिंग लिख के फादर की स्पेलिंग लिख देनी है। ग्रैंडफादर का क्या बन जाएगा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड का तो ग्रैंड ही रहेगा और फादर की जगह क्या हो जाएगा, मदर। जैसे हमने पहले किया था ना फादर मदर, फादर का तो मदर ही बनेगा और ग्रैंड का ग्रैंड रहेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहला शब्द इसका ग्रैंड है, दूसरा फादर है, पहले को वैसे रखा, दूसरा दूसरे शब्द को बदल कर दूसरा शब्द बदल दिया, फादर का मदर बन गया। ग्रैंड फादर के तो दादा और ग्रैंड मदर तो दादी। सेकेंड जैसे मैन सर्वेंट, तो इसका क्या आ जाएगा, मेड सर्वेंट। पहला वर्ड क्या था, मैन सर्वेंट, दूसरा सर्वेंट, तो इसमें सर दूसरा वर्ड तो पहला रहा, पहला वर्ड बदल दिया, मैन का क्या कर दिया, मेड। मैन तो आता है पुरुष के लिए और मेड आता है स्त्री के लिए, ठीक है। और तीसरा देखो इसका, जैसे लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड क्या होता है, जमींदार, लैंड लॉर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, लैंड का तो लैंड रहेगा, लॉर्ड की जगह हम क्या कर देंगे, लेडी, ठीक है। लॉर्ड आता है पुरुष के लिए, लेडी आता है स्त्री के लिए, तो इसका पहला वर्ड सेम रहा, दूसरा हमने बदल दिया। चौथा देखो इसका, सन इन लो, सन इन लो, डॉटर इन लो, इन लो तो सेम रहा, पहला वर्ड क्या था यहाँ पे, सन था, पुत्र डॉटर कर दिया, सन डॉटर होता है ना, सन का क्या होता है, डॉटर, और पहले रूल में पढ़ा था सन का डॉटर होता है पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, और सन इन लो होता है जमाई, और डॉटर इन होता है बहू, ठीक है। इसका पूरा अर्थ क्या होता है, सन इन लो मतलब हम जमाई को कह देते हैं, और डॉटर इन लो किसको कहते हैं, बहू को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, आपको नोटबुक में भी इसी तरीके से करना है, साथ में इसको लर्न भी करेंगे।